हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीबी सिनेमा ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय बैजनाथ की। और अभी मैं कवड़िया पथ पे हूँ और बढ़ रही हूँ दोस्तों दुमा बॉर्डर की ओर। और शाम का जो है टाइम है, आप देख सकते हैं कि कवड़िया पथ पर कितनी रौनक है। और यहाँ पर माता जी का भी आप दर्शन कर लीजिए, काफी अच्छा जो है यहाँ पर प्रणाम करके बम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये दृश्य यहाँ पर है इस तरीके से। तो पूरा कवड़िया पथ का जो है यहाँ से मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम है और बम लोग जो है बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो शाम का टाइम है, जो हम लोग ज्यादा जो है कांवड़ यात्रा करते हैं। और जगह जगह आपको बहुत ही इसी तरीके से रौनक देखने को मिलेगी। हर दुकान इस तरीके से देख सकते हैं कि खुला हुआ है। और मलमास में भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर आपको कांवड़िया पथ पर रौनक देखने को मिलेगा। और शाम का टाइम बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में बम लोग आ रहे हैं इधर। बोल बम, बोलिए बोल बम, बोल बम। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं फ्रूट्स वगैरह भी सब कुछ है यहाँ पर। रास्ते में भी खाने पीने के लिए उनके जो फलाहारी करते हैं उनके लिए भी जो है फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं रास्ते में, ठीक है। चाय पानी सब कुछ यहाँ पर, दुकान पानी के लिए सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी और व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहती है। आप देख सकते हैं जगह जगह पूरा दुकान जो है लगा हुआ है। कहीं पर भी आपको थोड़ी दूर दूर पर आपको इस तरीके से दुकान पूरा मिलेगी। जगह जगह बम लोग अपना कांवर रख सकते हैं, स्टैंड बना हुआ रहता है कांवर रखने के लिए, ठीक है। और शाम का टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है और देख सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कांवड़िया पथ पर। तो कहीं भी आपको नहीं लगेगा इस तरीके से कि मलमास को लेकर कुछ रौनक कम देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी है और बम लोग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू आ ही रहे हैं। और जगह जगह इस तरीके से देखिए पानी वगैरह भी जो है उनके लिए है, बम लोगों के लिए, हाथ पर धो सकते हैं, ठीक है। पानी का जो है ठंडक मिलता है हाथ पर धोने के बाद, थोड़ा सा हाथ मुँह धोकर थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, ठीक है। पूरा व्यवस्था जो है कांवड़िया पथ पर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले की भांति अब आपको बहुत ज़्यादा व्यवस्था जो है, जैसे ऐसे त्रुटि सरकार को नज़र आती है उसके हिसाब से व्यवस्था भी होता है। यहाँ पर दुकानें वगैरह भी आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए कि कुछ साल, बहुत साल पहले जब कांवड़ यात्रा होता था उस समय की भांति अगर आप देखेंगे तो आज कांवड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं जगह जगह इस तरीके का शिविर बना हुआ रहता है बैठने के लिए, चौकी वगैरह लगे हुए रहते हैं, खाने पीने का है, ठीक है, वो रेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं बम लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा थकावट हुआ बम लोग आराम करते हुए बाबा मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं। जगह जगह पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा मैं आपको यहाँ से दिखाते हुए चल रही हूँ। शौचालय की भी व्यवस्था रहती है, ठीक है। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको। बोल बम, बोल बम, बोल बम। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बहुत दुकान वकान खाने पीने की व्यवस्था है। बम लोग आगे आ रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कलकतिया धर्मशाला है जहाँ पर बम लोग आराम करते हैं रुक कर। आप देख सकते हैं बीच में कलकतिया धर्मशाला है जहाँ पर बम लोग आराम करते हैं। और इसमें भी देख सकते हैं दुकान वगैरह जो है लगे हुए हैं। कलकतिया धर्मशाला के अंदर भी जो है व्यवस्था अच्छा है यहाँ पर खाने पीने का। और बम लोग जो हैं आप देख सकते हैं कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी रौनक जो है देखने को मिल रहा है। पूरा कांवड़िया पथ पे इसी तरीके से आपको मिलेगा पूरे सावन। कभी भी आप कांवड़ यात्रा करेंगे इस तरीके से आपको अभी मिलेगा पूरे सावन, ठीक है। तो बस कुछ बम में उत्साह ज़्यादा देखने को मिलता है, कुछ थके हुए रहते हैं, ठीक है। तो बस रुक रुक कर अपना आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। और व्यवस्था में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि कितनी चहल पहल है, लाइट की व्यवस्था है, जगह जगह रुकने का भी व्यवस्था है। और जगह जगह कांवड़िया पत्ते इस तरीके से माँ की जो है दर्शन हो जाते हैं। और देखिए बम लोग यहाँ पर कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पूरा चहल पहल दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं पुल के नीचे, ठीक है। यहाँ से निकलेंगे और आगे अभी हम लोग बढ़ रहे हैं दुमा बॉर्डर की ओर। तो पूरा मैं इधर से आपको दिखाते हुए आगे बढ़ रही हूँ।
और जगह जगह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था की हुई है। कवड़िया पथ पर पूरा रौनक लगा हुआ रहता है और देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है माँ की प्रतिमा का जो है यहाँ पर दर्शन होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर, तो काफी अच्छा लगता है इस तरीके से बीच बीच में माँ के दर्शन हो जाते हैं, भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। वेल बम, हर हर महादेव। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया आ रहा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर करते रहती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए सेवा में लगी रहूँ, आप लोग के लिए वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो अभी मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और बम लोग आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में इधर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं बम लोग मंदिर की ओर, और जगह जगह बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इधर ये है ठनठनिया धर्मशाला, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रुकने की व्यवस्था है बम लोग यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और काफ़ी संख्या में अभी आपको बम दिखाई देंगे क्योंकि शाम में जो है ज़्यादा बम चलते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं। जगह जगह आप देख सकते हैं कि विश्राम भी कर रहे हैं, चाय पानी करते हुए बम लोग विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोल बम, बोल बम, बोल। तो पूरी जगह जगह आपको इस तरीके से व्यवस्था मिलेंगी और बीच बीच में आपको पुलिसकर्मी भी दिखाई देंगे, अपना ड्यूटी पर तैनात हैं, ठीक है। जगह जगह आपको पुलिसकर्मी भी दिखाई देंगे और बम जी भी आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं लगातार, और जगह जगह आराम भी कर रहे हैं। बोल बम, बोल बम। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि काफी रौनक देखने को मिल रही है। बोल बम, देख सकते हैं बम लोग बढ़ रहे हैं, आराम कर रहे हैं जगह जगह। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरा व्यवस्था, आपको पूरी रास्ते जो है इस तरीके से व्यवस्था मिलेगा। आप देख सकते हैं कि शौचालय, स्नान घर, सभी कुछ का आपको व्यवस्था रास्ते में मिलेगा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ पर जो है नहीं है, ठीक है। चार्जिंग बोर्ड भी देख सकते हैं लगा हुआ है मोबाइल चार्ज करने के लिए, बम लोगों की काफ़ी सुविधा देख सकते हैं। यहाँ पर भी बड़ा सा चार्जिंग बोर्ड लगा हुआ है देख सकते हैं, और यहाँ पर सामने देखिए बड़ा सा शिविर भी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं देख सकते हैं दुम्मा बॉर्डर के पास, और यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी तैनात आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का रौनक देखने को मिलेगा, देख सकते हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है दुम्मा बॉर्डर के पास। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रौनक मिलेगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि दुम्मा बॉर्डर के पास बिहार झारखंड का जो बॉर्डर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है, बम लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यवस्था देखने को मिल रही है दोस्तों, देख सकते हैं कि पूरा आपको बम लोग ही यहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए पूरा कांवड़िया पथ का यहाँ तक मैंने आप लोग के साथ आज मैंने वीडियो में शेयर किया है, और फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव।